हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिचा नागर रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ मशरूम टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करने चाह रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए मशरूम, अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना हुआ बेसन, डाइस्ड किए हुए अनियन टमाटोज, एक लेमन, दही, सरसों का तेल और ये ग्राइंड किए हुए खड़े मसाले, धनिया पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और गरम मसाला, ज़ीरा, चंकी चाट मसाला, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, तेज पत्ता, दो लाल मिर्च, घी, हरी मिर्ची, फ्रेश क्रीम और ये कसूरी मेथी, थोड़ी सी चीनी। और अब हम लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे मशरूम, मशरूम डालने के बाद डालेंगे दही, दही के बाद हम डालेंगे डाइस की हुई वेजिटेबल्स, साथ में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब डालेंगे हम भुना हुआ बेसन और अब डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा, चाट मसाला, नमक, हींग, अजवाइन, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, दो चुटकी गरम मसाला और लेमन को स्क्वीज़ कर देंगे। साथ में डालेंगे हल्दी, काला नमक और दो चम्मच सरसों का तेल। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद डीप फ्रीज कर देंगे। और अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब ग्रेटेड जिंजर और गार्लिक इसमें डाल देंगे एक चम्मच। इसमें डालेंगे हम डाइस की हुई टमाटोज एंड ऑनियंस, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, हाफ स्पून दरदरे पीसे हुए गरम मसाले और इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। दो मिनट तक मिक्स करने के बाद, दो चार मिनट तक मिक्स करने के बाद इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब उसी कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, उसमें हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद एक 5 सेकंड के लिए उसको भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे तेज़ पत्ता और दो लाल मिर्च और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे अपनी डीप फ्रीज की हुई तंदूरी बैटर जो हमने बनाया था वेजीज का वो, और इसको ढककर थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए ढककर इसको रख देंगे। ढक के रखने के बाद इसको जब ओपन करेंगे तो इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसमें हम मिक्स करेंगे अपना जो हमने ग्रेवी बनाई थी टमाटोज एंड ऑनियन की और गार्लिक की, वो डालेंगे। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए ढककर इसको फिर से रख देंगे। ग्रेवी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। ये हमने ढक दिया इसको, ढक के 10 मिनट के बाद ओपन करके इसको फिर से एक बार चलाएंगे। चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, ये होममेड क्रीम है, और हाफ अ टी स्पून डालेंगे इसमें शुगर, चीनी और दो हरी मिर्च कटी हुई, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा देसी घी 1 चम्मच डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आएगा इससे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। आपके पास देसी घी नहीं है तो आप अमूल का बटर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। इसे 5 मिनट तक ओपन लिड में ही, इसको 5 मिनट तक हम अच्छे से पकने देंगे, बॉईल आने देंगे। इसमें आप चाहे तो इसमें हरा धनिया इस स्टेज पे डाल सकते हैं, मैंने अभी स्किप किया है बिकॉज़ मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी। और ये देखिए हमारा मशरूम टिक्का मसाला बनके रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए प्लेन रोटी के साथ, और या फिर इसको सर्व कीजिए मिक्स मसाला लच्छा पराठा के साथ। ये मैंने मसाला लच्छा पराठा बनाया था, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की और रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।